नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो आज का मेरा वीडियो ओल्ड शर्ट पर है और इस शर्ट से मैंने क्या बनाया है, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक पुरानी शर्ट है, कई बार पहनी जा चुकी है। इसे मैंने अच्छे से आयन कर दिया है और अब इसकी कटिंग करेंगे और इसे मैं एक बैग बनाऊंगी। और ये बैग जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये यहाँ पर साइड में पॉकेट दिया हुआ है, तो पॉकेट से 1 इंच ऊपर से की तरफ से मैं इसे कट करूँगी और यहाँ पर स्लीव से ऐसे कर्व में कर लूँगी। और ये इस तरह से नीचे में कर्व है, तो इसे स्ट्रेट ऐसे लाइन खींच कर अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो साइड में भी ये काफ़ी चौड़ा है, तो इस तरह से साइड से इसकी पट्टियाँ निकाल कर इसकी हैंडल हो जाएगी बैग को टांगने के लिए। और अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। पॉकेट से 1 इंच ऊपर कपड़े को कट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो बैग बना रहे हैं उसमें ऊपर की तरफ पॉकेट भी रहेगा, वो भी बहुत ही यूजफुल है। और अब इसे साइड से कट कर लेंगे और ये जो है इसकी अब कटिंग हो गई। और आजकल मार्केट में जो है वो पॉलीथीन बिल्कुल बंद हो चुका है, तो आप इस तरह के बैग जो है आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। और अब इस बैग की सिलाई करते हैं। तो इसका फ्रंट पार्ट पहले लेते हैं। तो ये जो बटन है इसे पहले पूरे बटन को लगा लेंगे। और इसे मैंने बटन जो है ये निकाले नहीं है क्योंकि ये एक शो बटन की तरह इसमें अच्छे लगेंगे बैग में। और अब इस पर स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे जो भी ओपन भाग है इसका। तो यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और अब जो साइड में ऐसे कर्व था उधर से भी दोनों तरफ से सिलाई लगा कर और ऊपर की तरफ भी इसको सिल कर पक्का कर लेंगे। और बैक साइड में भी सेम ऐसे ही सिल लेंगे। आपके पास अगर इस तरह की पुरानी शर्ट हो, किसी की भी, हस्बैंड की या किसी भाई की भी, या आप अगर खुद पहनती हैं, तो इस तरह के आप कई सारे इस तरह से बैग बना सकती हैं जो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका शर्ट भी यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरह से बैक साइड में भी इसे सिलाई लगा ली है और ये इसका पॉकेट है फ्रंट में। और अब इसकी सिलाई कर लेते हैं साइड की। बैग के नीचे की तरफ इसके बॉटम में इस तरह यहाँ कॉर्नर से पकड़ते हुए और कपड़े को ऐसे ट्रायंगल में लेते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड बैग के दोनों साइड में बॉटम में इसी तरह से ट्रायंगल में सिलाई लगा लेंगे, जिससे बैग जो है उसका लुक जो है और अच्छा हो जाता है बैग का। तो इस तरह से ट्रायंगल में मैंने सिलाई लगा ली है। बैग जो है वो रेडी है। अब इसका हैंडल लगाना है। तो ये साइड से जो कपड़ा कट किया था उसे एक स्ट्रिप ऐसे बना लेंगे और उसमें जॉइंट कर लेंगे बैग में।
बैग जो है वो बिल्कुल रेडी है और आप भी इस तरह से शर्ट से बैग बना सकते हैं। अब इसके जो बाजू बचे हुए थे इससे भी मैंने एक बैग बनाया है, छोटा बैग। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो। इस शर्ट के बाजू को यहाँ से अलग कर लेंगे और फिर इसमें जहाँ से कर्व है इस तरह से सीधा इसे कट कर लेंगे और अब इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये ओपन है, बटन इसका सब तरफ से बंद करके और यहाँ नीचे में ऊपर से ही मैंने सिलाई लगा दी है नीचे की तरफ। और यहाँ पर जो कटिंग की थी इसे भी सिल लूँगी गोलाई में। तो ये इस तरह से इसे गोलाई में सिल लेंगे। आप देखिए शर्ट के बाजू से ये कितनी यूजफुल चीज़ें बन गई हैं। तो दोनों शर्ट के बाजू से इस तरह से मैंने दो पीस ये बनाया है और आप इसमें किचन टॉवल रख सकते हैं या ये एप्रन मैंने बनाया था, इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया आप लोग से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप इसे इसमें एप्रन रखिए, चाहे किचन टॉवल रखिए या कोई भी बैग जो मार्केट से आते हैं या कुछ भी इसमें आप सामान रख सकते हैं और इसे आप किचन में टांगिए या चाहे कहीं भी इसे इस तरह से टांग कर यूज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।